गई, हमने कहा भाई मैच तो हमने तो बिल्कुल जहन में बना लिया था कि इंशाल्लाह हम जीत कर जाएंगे, बड़ा मोराल हाई था, लेकिन जा तो पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और फिर जब श्रीलंका आया पहली बार। लेकिन बाबर आजम ने शुरू से लेके कुछ नहीं किया, वो कैप्टन पता नहीं किस काम का है, समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा है आज। वो तो जाहिर है, वो तो खुश होगा, उसको तो एक वन साइडेड मुकाबले में किस तरह से बाहर हुआ, किस तरह से श्रीलंका ने पाकिस्तान को धूल चटाई, अब भारत के अंदर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। यानी आप लोग रोना बंद कीजिए। मैंने देखा किस तरीके से श्रीलंका मैच जीत चुका है और श्रीलंका एक ऐसी टीम जिसे अभी नेक्स्ट मंथ जो वर्ल्ड कप होना है उसमें क्वालिफायर खेलना है और वो एशिया कप का फाइनल जीत चुका है। हालांकि जिस तरीके से श्रीलंका ने सुपर फोर में जो अपना आने से पहले बांग्लादेश को बाहर किया था, उस मैच से मुझे लगा था कि यार ये टीम किसी को भी हरा सकती है, मुझे लगा था कि ये टीम किसी को भी हरा सकती है और उसने वही किया, इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान तीनों को हराया और वो फाइनल जीत चुकी है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं पाकिस्तान का, फिर इसके बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जो है उसके बाद इन्होंने कोई अच्छा नहीं खेला, ना बैटिंग अच्छी हुई ना कुछ अच्छा। आसिफ अली ने सबसे गलती किसकी थी मैडम? बाबर आजम की गलती थी, सबसे बड़ी बाबर आजम ही है जो ना इस लेके चल रहा है। कैप्टनसी अपनी किस तरह हैंडल कर रहा है और अपनी टीम को किस तरह चला रहा है, और नसीम और ये लोग ही लेके चल रहे हैं, बस इसके अलावा रिजवान लेके चल रहा है या इफ्तिखार है, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा आप बताएं मैडम किसकी गलती थी? गलती ज़्यादातर तो शादाब की थी, क्योंकि उसने टू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कैचेस थे ना वो ड्रॉप किए हैं, और लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो अच्छा खेलेगी, कोई बात नहीं। डोंट हमारी गलती थी, हमने इन लोगों को सपोर्ट किया। अच्छा नहीं, फिर भी इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, आप बताएं फिर भी किसने मैच हरवाया आज? शादाब खान। शादाब ने क्या किया? तीन कैचेस छोड़े हैं, जो तीन कैचेस छोड़े हैं, आप बताइएगा। यही हारा जीता हुआ मैच हार गए हैं हम। नहीं, आपको उम्मीद थी ये जीत जाएंगे जो हालात चल रहे थे शुरू से? शुरू में बहुत उम्मीद थी, लेकिन एंड पे सब खराब हो गया। किसने गलती किसने की है? शादाब। शादाब ने, क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? नहीं, उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, माफ किया उसको। माफ किया शादाब है, ऐश्वर्या से माफ किया, वरना माफ नहीं करना था किसी को। फॉर्म रहने दे। भाई किसकी गलती थी? सबकी गलती थी यार, सब बहुत अच्छा खेले, बस कोई नहीं, ये तो चलता है, गेम है, होता है इसमें। अच्छा, गलती तो किसी की भी नहीं थी, बस थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है एंड पे आगे, जो एंड वाले ओवर्स थे उसमें इन्होंने मिस फील्डिंग की है, उस वजह से हारे हैं। अच्छा, उस वजह से हारे हैं। अच्छा सर, किसकी गलती रही? भाई मैं बड़ा धोखे ले आ रहा, मैं फांसी, मैं अपने आप फांसी लेना चाह रहा, मैं बड़ा धोखे यार। किसकी गलती थी भाई? सर किसकी गलती थी मैच में? आसिफ। आसिफ की, आप बताएं किसकी गलती थी? सारी टीम की। सारी टीम की गलती थी, मेरी गलती थी भाई ना। अच्छा अच्छा, और भी आप बताएं किसकी गलती थी? आया मैच में खता हो रहे में, मैं नाम नहीं ना जीत जाना थी। किसकी गलती थी भाई? हाँ जी, गलती किसकी थी? हमारी गलती है, हमारी गलती देखने आए। किसकी गलती थी आज? यार मेरी मेरी गलती है, हमारी गलती। किसकी गलती थी मैडम? बस पाकिस्तान की, क्या कैसे, विकेट्स जो है ना 60/5 थे, उसके बाद इन्होंने ना इजी ले लिया मैच को। अच्छा आप बताएं किसकी गलती थी? पाकिस्तान की गलती है, सही तरीके से उन्होंने खेला ही नहीं, खेलना चाहिए था। जब 5 आउट हो गए उसके बाद फिर वो इन्हें इजी ले ली, फील्डिंग इजी ले ली, असल मसला हुआ। फिर ये फखर जमान को खिलाते रहे बार बार, तो कोई और इनके पास प्लेयर ही नहीं है। बाबर आजम भी चले, वो कैप्टन है, सबको लेके चलते हैं उनका, लेकिन जो फखर जमान का वहाँ से बड़ा। अच्छा आप बताएं क्या क्या कहना चाह रही है, किसकी गलती से? डिटेल में बताएं। बस ठीक है, सॉरी भाई, शुक्रिया। अच्छा चले ठीक है भाई, किसकी गलती थी? सर बैट्समैनों की गलती थी, सब बैट्समैनों की गलती थी। अच्छा भाई किसकी गलती थी? नासिक है, आप बताएं किसकी गलती थी आज? जाट की। हमारी आज ना मैंने नाश्ता नहीं किया, ये गलती ये गलती इसकी। भाई किसकी गलती थी भाई? पूछो अफगानिस्तान। किसकी गलती थी?
पाकिस्तान की। इंडिया ने और बांग्लादेश ने हमारी टीम पे मिलके बहुत ज्यादा जादू टोना किया जिसकी वजह से हम हार गए हैं। किसकी गलती थी मैडम? मैं आ गई इधर। अच्छा, आज फिर भी कौन सा प्लेयर बुरी परफॉर्मेंस कर सके जिसकी वजह से? शुरू से लेके कुछ नहीं किया, वो कैप्टन पता नहीं किस काम का है, समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा है आज। वो तो जाहिर है, वो तो खुश हो। हमारी गलती हमारी खुद की है, किसी की गलती नहीं है। ये रिजवान ने अपने 50 के चक्कर में सारा पाकिस्तान का कैरियर तबाह कर दिया। मजा नहीं आया पाकिस्तान का। देखो, सबसे स्टार्ट में तो बाबर आजम ने गलती की क्योंकि बहुत वाइड गेंद था, उसने टच कर दिया, उसको नहीं करना चाहिए था। उसका रीज़न ये है कि जब आप स्टार्ट में पावर प्ले में अगर रन्स बनाते हैं तो वो बाद में बहुत मैटर करता है क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर पड़ना है। ठीक है, उसकी वजह से फिर हर बॉल जो है वो बाउंड्री की तरफ नहीं जा सकती। तो नज़र लग गई किसी को पाकिस्तान टीम की? बिल्कुल ऐसे था। हम तो जब आए तो वो जब शुरू की विकटें गईं, हमने कहा भाई मैच तो हमने तो बिल्कुल जहन में बना लिया था कि इंशाल्लाह हम जीत कर जाएंगे, बड़ा मोराल हाई था। लेकिन या तो पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और फिर जब श्रीलंका आया, पहली वाइड जो बॉल्स दी हैं उन्होंने साथ, उस पर भी हम बड़े खुश थे। लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के बगैर के खिलाफ हुआ। मगर हम जो भी है कि हम जीते या हारें, हमें अपने मुल्क से प्यार है और हार जीत होती है। सेलिब्रेशन की वैसे कोई तैयारी की हुई थी कि जाके जीतेंगे तो ये सेलिब्रेशन करेंगे? देखिए, खेल के अंदर यही उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि कोई एक शख्स जीतता है और कोई एक हारता है। तो हमें वो दो छक्के जो पहले लगाए हैं वो भी हमें याद हैं, अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए। तो हम उन दो छक्कों में ही जीत गए थे मैच, और ये जो फाइनल में आना मेरे ख्याल में जीता पाकिस्तान की। क्या कहेंगे सर, आज का मैच बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है? जी बिल्कुल, डिसअपॉइंटिंग तो था। इतने हम शौक से आए, इतना मोटिवेशन लेके आए थे, लेकिन अफसोस। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम और हमें इसके ऊपर अफसोस नहीं है। एक्चुअली अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में एक ज़बरदस्त तरीके से खेला और मैं चाहता था यार कि फाइनल में श्रीलंका जीते। अगर भारत नहीं जीत रहा तो मेरी सेकंड फेवरेट थी श्रीलंका, थर्ड फेवरेट थी अफगानिस्तान, फोर्थ थी ऑब्वियसली बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान थी, हांगकांग तो रेस में थी नहीं। तो आप समझ सकते हो यार, श्रीलंका जिस तरीके से होस्ट नेशन है और जिस तरीके से कंट्री अभी गुजर रही है, जिस तरीके के माहौल से, पाकिस्तान भी बहुत, मतलब पाकिस्तान के भी माहौल ख़राब है। पाकिस्तान ऑन पेपर तो बहुत मजबूत टीम थी, लेकिन श्रीलंका के क्रिकेटर्स जो इंडिविजुअली जिस फ्लो में खेल रहे थे, आप देख सकते हो कि किस तरीके से हसरंगा वन मैन आर्मी, अभी तो नंबर वन ऑलराउंडर अगर दुनिया में कोई है तो हसरंगा है। एक नंबर का फील्डर, एक नंबर की बैटिंग कर रहा है, एक नंबर बॉलर है, वो कंप्लीट क्रिकेटर है हसरंगा। आरसीबी ने इसको 9 या 10 करोड़ में खरीदा था, बिल्कुल परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर क्रिकेटर है। आप देख सकते हो किस तरीके से आज उसने वन मैन आर्मी की तरह 5 विकेट गिर गए थे 58 रन पे। उसके बाद आके हसरंगा ने पहले मारा, 36 रन बनाए तकरीबन, मुझे एग्जैक्टली 36 या 37 रन बनाए। साथ ही साथ राजापक्षे भी खेल रहा था, राजापक्षे क्या सेंसिबल खेल रहा था। मुझे लगता था कि ये आउट ना हो जाए, लेकिन उसने देखा कि हसरंगा मार रहा है तो वो सेंसिबल खेल रहा है, फिर लास्ट में राजापक्षे ने मार दिया। मतलब यार कैसा काउंटर अटैक किया यार, मतलब सीखना चाहिए ये लोग, क्या गजब का काउंटर अटैक करे हैं। 5 विकेट गिरने के बाद भी 170 तक टारगेट पहुंचाया। उसके बाद श्रीलंका के बॉलर ने पहला ही ओवर इतना घटिया डाला, लगभग 2 या 3 नो बॉल, फिर वाइट, 11 रन शायद 0 बॉल पे बन चुके थे, मतलब टारगेट सीधा 160 हो गया। उसके बाद भी वापसी की, फिर आप देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया फील्डिंग में और किस तरीके से कैचेस पकड़े। पाकिस्तान का एक कैच तो ऐसा कि कैच तो ड्रॉप हुआ, बॉल मतलब यहाँ से बाउंस होकर वो सीधा जा रही है बाउंड्री में। शादाब खान और आसिफ अली थे उस कैच में, आप देख सकते हो, उसको लेकर भी काफ़ी मीम्स बनने लगे। तो यार श्रीलंका को सैल्यूट है यार, जिस तरीके से वो, मतलब उनके कोचेस को लेकर भी काफ़ी, आकाश चोपड़ा और हिंदी कॉमेंट्री में अगर आप मैच देख रहे हो तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि यार ये क्या कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, 2D 5D 6D। बड़ा ही वो इंग्लैंड का कोच, और ज़बरदस्त तरीके से उसने मतलब इस टीम को खड़ा किया। कोच मेरे हिसाब से जो है, कोच बड़ा नाम ना हो लेकिन उसको आइडिया हो कैसे टीम को जिताना है, तो श्रीलंका को भी वो एशिया कप जिता सकता है। बड़े बड़े जाइंट इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली सबसे मजबूत टीम थी, लेकिन श्रीलंका को कोई भाव नहीं दे रहा था। श्रीलंका से ज्यादा स्ट्रांग लोग अफगानिस्तान बांग्लादेश को कह रहे थे, लेकिन श्रीलंका एशिया कप जीत गया। टीम परफॉर्मेंस आप देखें, आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज कमेंट में अपनी राय दें। इस टॉपिक को लेकर मैं लगातार